जय हिंद। अभी हाल ही में चाइना ने हांगकांग की जितनी भी फ्रीडम्स थी उसको ख़त्म करने के लिए अपने संसद में एक विधेयक पारित किया, जिससे कि पूरा घमासान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलकर ट्रेड वार की शुरुआत कर दिया। तो समझते हैं हम लोग ये आखिर हांगकांग के साथ विवाद क्या चल रहा है। लेकिन यह विवाद काफ़ी पुराना है, चलिए इसमें हम आपको ए टू जेड चीज़ें बताते हैं कि आखिर यह हांगकांग की क्या पोजीशन है और इसके लिए भारत को क्या बेनिफिट या क्या लॉस होगा और यूएई कैसे इतना डेवलप हो गया, यूएई और हांगकांग में क्या कनेक्शन है यूएई के डेवलपमेंट में। देखिए ये जो आप खूबसूरत सा देश देख रहे हैं, इतना बड़ा बेहतरीन देश, ये देश है आपका हांगकांग। हांगकांग जो है बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी देश एक दिन में डेवलप हो जाता है, अब ये हांगकांग ही है तो एक दिन में तो डेवलप नहीं हुआ होगा, इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। ये हांगकांग का झंडा है, चाइना इसी हांगकांग को कहता है कि भैया ये मेरा है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए हांगकांग जो है वो एकदम बिल्कुल चाइना के करीब में ही है। हांगकांग को अगर आप नक्शा में देखिएगा तो ये चाइना जो दिख रहा है, इसके नीचे वाला ये जो भाग है इसको कहते हैं हांगकांग। ये छोटा सा एक शहर है हांगकांग, इसको हम समझते हैं कि चाइना ये सही बोल रहा है या गलत। तो पहले हमको हिस्ट्री जाना पड़ेगा आज से 200 साल बाद पीछे का। जब हम देश वाले गुलाम थे तो अंग्रेज हमारे यहाँ दादागिरी करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उनको भारत मिल गया था, उनका फुल फोकस था भारत को कितना बेरहमी से लूटा जाए। अब इनके हाथ जब भारत लग गया तो इनको चाइना भी दिखने लगा कि भैया हम लोग चाइना से क्यों नहीं कब्जा कर लेते हैं। और चाइना में ये लोग ट्रेड जो बेसिकली करते थे वो रेशम और चाय का करते थे, क्योंकि चाइना में चाय और रेशम ज़्यादा होता था। अब वो इंडिया से जो व्यापार कर रहे थे उनको तो आदत लगी थी कि यहाँ के लोगों को मारो पीटो, यहीं से पूरा सामान लेके चले जाओ। ब्रिटेन वाले खरीदना बहुत जानते थे उस वक्त, लेकिन पैसा देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चाइना से चाय भी ले लें, चाय पत्ती पीने वाला, और रेशम भी ले ले और पैसे भी ना दे। लेकिन चाइना कह रहा था कि भैया हमको पैसे चाहिए, हमको सिल्वर में दे दीजिए, चांदी के सिक्के में, हम उसका भुगतान चाहिए हमको। तो ब्रिटेन वालों ने सोचा कि हम इंग्लैंड से, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही चीज़ है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो कभी समझा देंगे, कि हम वहाँ से सामान ले आके चाइना में बेच देते हैं तो हम अपना सामान बेचेंगे, उनसे ये खरीद लेंगे। लेकिन चाइनीज सब उनके सामान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, वो खरीदते ही नहीं थे। इसलिए ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगाया, उन लोगों ने ओपियम, अफीम समझते हैं ड्रग्स, यहाँ के लोगों को ड्रग्स का नशा लगा दिया। और यह नशा इतना भयानक लगाया, इतना भयानक, ये जो चाय और रेशम बेचते थे उसके बदले उससे वो अफीम खरीदते थे। इससे ब्रिटेन को डबल फायदा, यहाँ भारत के लोगों को मार पीट के वो अफीम उगाता था और ये औने पौने खरीद लेता था, चल हट यहाँ से, भारत वालों को झाड़ देता था। आप तो गुलामी की कहानी पढ़े हैं भारत का, अब यहाँ से उसको सस्ता अफीम मिल गया। और इसी अफीम के बदले वो चाइना से क्या ले लेता था, रेशम और चाय, आप बदले में दे देता, लो भैया अफीम। हमारे जमाने लोग चाय पीना छोड़ भी सकते हैं लेकिन तुम अफीम का नशा पकड़ लिए तो तुम छोड़ोगे नहीं, समझ में आया। अब इससे चाइना को लगने लगा घाटा, उसका जो चाय और रेशम का मुख्य व्यापार था वो अफीम के बदले चला जाने लगा। चाइना गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के इस कदम को रोकने के लिए अपने देश में अफीम को इलीगल कर दिया कि भैया कोई अफीम हमारे देश में नहीं बेच सकता है। ब्रिटेन वालों ने कहा कि सजुरा ने हमको क्या मतलब बेचा, हमको तो फायदा हो रहा था। ब्रिटेन वाले अफीम बेचने के लिए जबरदस्ती उनको ड्रग्स खिलाने के लिए युद्ध कर दिया। इस युद्ध को कहते हैं अफीम युद्ध या ओपियम युद्ध। ये दो दो बार अफीम युद्ध हुआ था, पहला अफीम युद्ध 1839 से 1840 के बीच हुआ। इस अफीम युद्ध में चाइना हार गया और ब्रिटेन ने चाइना का एक नीचे का एरिया कब्जा कर लिया, जिसे हम लोग आज भी हांगकांग कहते हैं। और ये इसी रास्ते वह अफीम को चाइना में बेचने लगा, इलीगली बेचने लगा वहाँ से, समझा। चाइना फिर इसका अपोज किया तो दोबारा इन लोगों ने अफीम युद्ध किया, सेकेंड ओपियम वार यानी द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच हुआ। इसमें ये लोग हांगकांग के और भी एरिया को कब्जा कर लिया। इसके बाद चाइना और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ने लगा। ब्रिटेन को केवल दिलचस्पी चाइना के अफीम से थी। धीरे धीरे चाइना इंग्लैंड का बहुत विरोध करने लगा इस हांगकांग को लेकर, तो ब्रिटेन ने हांगकांग को भाड़ा पे ले लिया, जिसे हम लोग कहते हैं लीज पे, कहा कि चल भैया हम तुमको इसका किराया दे देंगे इसका, क्योंकि उसको देख रहा था कि भैया किराया कितना लेगा, वो भी 1800 ईस्वी में, तो उसमें किराया कितना लगता था, और अफीम से उसको बहुत प्रॉफिट था।
तो उसने इसका किराया देने लगा, एक लीगल किराया को हम कहते हैं लीज। तो हांगकांग को इसने लीज पर ले लिया 99 साल के लिए। कब ये लीज चालू किया था? 1898। तो आप कहिएगा कि सर 1856 से 60 के बीच द्वितीय अफीम युद्ध खत्म हो गया तब। तो देखिए 60 से 98 के बीच ब्रिटेन और चाइना के बीच में तूतूमैमे होते थे। इसी को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने 99 साल का लीज लिया 1898 में। अब यह 99 साल का लीज खत्म हुआ 1997 में। 1997 में लीज खत्म हुआ तो ब्रिटेन को यहाँ से जाना पड़ेगा, और जब ब्रिटेन यहाँ से जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा? चाइना का। अब यहाँ समस्या समझिए क्या हुआ। ब्रिटेन जो यहाँ 99 साल रह गया था, तो ये जो है आपका हांगकांग, ये मुख्य समुद्री मार्ग पर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होते हैं, जिस वजह से ये बहुत ही डेवलप हो गया। पूरी दुनिया की ज़्यादातर कंपनियाँ यहाँ पे अपना व्यापार करने लगी थी। अब इन कंपनियों ने कहा कि भैया ब्रिटेन आप भाग जाइएगा यहाँ से तो चाइना हमको कब्जा कर लेगा, आप हमारे लिए कुछ करिए। तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, हम 97 में जो लीज ख़त्म होगा उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो इन्होंने चाइना से एक समझौता किया। समझौता ये कि आप नियम बनाइए कि आपके एक देश में दो कानून रहेगा, मतलब वन नेशन टू रूल, उसी को कहते हैं वन कंट्री टू लॉस। जैसे भारत में था जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून और भारत के लिए अलग कानून, उसी तरह से चाइना के लिए ये है सेम टू सेम। अब ब्रिटेन ने कहा कि आप ये कानून 50 साल तक रखिएगा, 50 साल के बाद आपको जो मन करना हांगकांग के साथ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ब्रिटेन ने कंपनियों को कहा कि भैया 50 साल में तुम लोग अपना अपना रास्ता देख लेना। तो कई कंपनियों को ऐसा लगा कि जैसे ही 1997 में ब्रिटेन यहाँ से जाएगा तुरंत चाइना कब्जा कर लेगा, क्योंकि चाइना का वादा उतना ही चलता है जितना चाइना की सामानें चलती हैं। तो बहुत सी कंपनियां तो 1997 में ही भाग गई। तो पहले हम ये समझते हैं उन कंपनियों का क्या हुआ जो 1997 में ही भाग गई थी, यानी उसी के लगभग भाग के चली गई थी, उसके बाद हम मेन इशू पर आएंगे। देखिए जो कंपनियां यहाँ से भागी, अब वो जगह खोज रही थी कि हम कहाँ जाएं भैया, हमको कोई ना कोई क्या चाहिए, जगह चाहिए जहाँ हम अपना इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये कंपनी भाग कर आ गई UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए ये हांगकांग से भागी कंपनियां, और ये यहाँ से सीधे चली गई UAE में। UAE ने कहा कि देखो भैया हम भी समुद्र के किनारे हैं और हम भी मुख्य समुद्री मार्ग के किनारे हैं, हम भी हर सुख सुविधाएं तुमको वो देंगे जो हांगकांग में दिया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा। भागाओ तुम लोग नहीं तो चाइना कब्जा कर लेगा। सारी कंपनियां कहां भाग गई? UAE में भाग गई। और UAE का कितना डेवलपमेंट हुआ आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब कंपनियां यहां से गई UAE में, तो UAE का हाल आप अभी देखिए। ये है UAE आपका दुबई 1990 का। इस 1990 के UAE में आपको केवल रेगिस्तान दिखाई देगा। और वो कंपनियां जब UAE में भागी थी, तो अभी देखिए 2015 का दुबई, ये 2015 का दुबई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज्यादा डेवलप हो गया। ये एक तरह का दुनिया के लिए एक आइकन बन गया है डेवलपमेंट का UAE, समझ में आया। तो जो 1997 में कंपनियां भाग गई थी, तो ये तो भैया जाके UAE में सेट हो गई। अब वे कंपनियां जो भाग के नहीं गई थी बल्कि वहीं रह गई, उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं था। शुरुआत में चाइना हांगकांग के साथ कोई दिक्कत नहीं करता था। चाइना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर हर एक चीज़ था, यहाँ पे लोकतंत्र था, यहाँ हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच था, सब कुछ था। धीरे धीरे चाइना सोचने लगा कि इसके फ्रीडम को ख़त्म किया जाए। तो जितने वेस्टर्न कंट्री थे वो हांगकांग को बचाने के लिए हांगकांग को कुछ स्पेशल रिबेट देने लगे। जैसे आप मान के चलिए USA को ये टैक्स में कमी कर दिया, कहा कि हम चाइना से जो सामान मंगाएंगे ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लेंगे और हांगकांग के लिए टैक्स कम लेंगे। ये हांगकांग को भी फायदा था, ताकि हांगकांग की आइडेंटिटी बरकरार रहे। आप ओलंपिक में भी देखिएगा हांगकांग अपनी टीम लेके जाता है। चाइना मिसयूज करने लगा इस कानून का, वो अपना सामान हांगकांग में भेज देता था और हांगकांग से फिर अमेरिका भेज देता था, टैक्स बच जाता था उसका। अमेरिका इसको जानता था, लेकिन क्या करे, अमेरिका नहीं चाहता था कि हांगकांग चाइना का अंग बने, लेकिन हांगकांग को तो चाइना का अंग बनना ही था। रीजन क्या है, जो 1898 में लीज हुआ था वो तो 1997 में ये लीज खत्म हो गया, क्योंकि ये लीज 99 साल का ही था। इसके बाद जो इसको दिया गया
सॉरी हांगकांग को, तो कहा गया कि भाई चाइना 50 साल तक कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है हांगकांग के नियम में 50 साल तक। अब ये 50 साल जो है वो 2047 में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1997 में ये चाइना को दिया था और कहा था कि 50 साल तक आप चेंज नहीं करिएगा, तो 2047 में ख़त्म होगा। चाइना अब क्या सोच रहा है, चाइना जान रहा है कि कानूनी तौर पर 2047 में तो हमारा होगा ही होगा ये हांगकांग। चाइना ये सोच रहा है कि जब 2047 में हांगकांग हमारा हो तो हम उसको उसी रंग में ढाल चुके हों जिस रंग में हम अपने बाकी चाइना के जगहों को ढाले हैं, यानी एकदम थूर पूंछ के वहाँ के लोगों को भेड़ बकरी बना दो कि सरकार बोले तो वही करे, सरकार बोले दिन है तो दिन है, ये हाल बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तो आज़ादी है, जैसे भारत में आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ हवाई चप्पल पे चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ में घूमने वाले प्रधानमंत्री को कहता है कि आपकी नीतियाँ गलत है, चाइना में बोलिए ना अगले दिन आप गायब हो जाएंगे चाइना से। तो यहाँ के लोग डरे हुए हैं। अब चाइना चाहता है कि हम इन लोगों का जो सफाई है, थूर पूंछ है, वो 2047 के बाद नहीं करें वरना और टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इनको थूरना चालू करते हैं। तो चाइना ऊंचाई चालू कर दिया है हांगकांग में 2014 से ही। 2014 में यहाँ पर चाइना ने कई गलत नीतियाँ लिया जिस वजह से वहाँ 10 लाख लोग भीड़ उतर गए। यहाँ पर ये देख रहे हैं हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई हम फ्रीडम चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं। और चाइना जानता है तो सोच रहा क्या चाहता है, जो चाहता है वो 2047 तक मिलेगा, उसके बाद तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तिब्बत में किए थे। बताएंगे तिब्बत में क्या किया था चाइना ने अभी इस वीडियो में लास्ट में। तो ये प्रोटेस्ट होने लगे, चाइना इस प्रोटेस्ट को दबाना चाहता था। अब चूंकि ये जो था वन कंट्री टू नेशन के तहत आता था, यहाँ विदेशी मीडिया भी थी तो ज़्यादा आप गोली उली नहीं मरवा सकते थे जैसे चाइना में मरवा देते हैं। अब चाइना ने यहाँ क्या किया, उसने देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वो लोग छाता का प्रयोग करने लगे जिसे अम्ब्रेला मूवमेंट कहते हैं। 2014 में ये शुरू हुआ था अम्ब्रेला मूवमेंट, अब इसको छाता आंदोलन क्यों कहते हैं, तो आप ये देखिए द गार्जियन का एक आर्टिकल में देखेंगे। यहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इधर चाइना की पुलिस है। आप इसमें देखिएगा एक चीज़ ध्यान से, तो जो चाइना की पुलिस है ना, ये अपने हाथ में कुछ स्प्रे रखी हुई है और ये इन्हीं स्प्रे के मदद से केमिकल का छिड़काव कर देती है इनके ऊपर। इन केमिकल से बचने के लिए चाइना की पुलिस देखिए खुद वो केमिकल मास्क पहने रहती है और इन लोगों के ऊपर केमिकल छिड़क देती है जिस वजह से इनको सांस वगैरह में तकलीफ होती है। तो ये लोग अपने साथ छाता लेके घूमने लगते थे, 10 लाख लोग छाता आंदोलन लेके चालू हो गए। धीरे धीरे जब जब चाइना को मौका मिला तब तक वो हांगकांग की आज़ादी को थोड़ा थोड़ा दबाना चालू किया, इस उम्मीद में कि 2047 आते आते हम पूरी तरह से यहाँ के लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे ताकि एक पूरी तरह से वन चाइना लागू हो सके। समझ में, हांगकांग में एक नया बवाल कब चालू हुआ, 2017 में। 2017 में चाइना ने एक नियम बना दिया, चाइना ने नियम ये बनाया कि भैया हांगकांग में तो चुनाव जो होता है वो होता रहेगा, ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन कौन उठेगा इसका डिसाइड ये चाइना की बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट सरकार करेगी। यानी चुनना आपको है लेकिन आप उन्हीं को चुनिए जो चाइना जिनको भेज रहा है, यानी 10-12 लोग को चाइना भेज देगा, आपको जिसको मन वो चुन लिख के भेज दीजिए। इसी में नया विवाद चालू हो गया और चाइना ने भेजा चारी लोम को। चारी लोम जो है वो चाइना के कम्युनिस्ट सरकार की बहुत करीबी हैं और अभी ये हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यानी हांगकांग की सारी डिसीजन यही लेते हैं। तो कहने के लिए ये हांगकांग में इनका चुनाव हुआ है लेकिन इनको भेजा कौन है, भैया देख लीजिए बगल में है वो, वही भेजे हैं, यानी ये पूरी तरह उन्हीं के इशारा पर काम करती हैं, नहीं करेंगी तो यही गायब हो जाएंगी। चाइना में किसी की जान लेना उतना ही है जितना भारत में गुड नाइट जला के मच्छर की जान लेते थे। इसके खिलाफ भी वहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन को चाइना दबा नहीं पाया। रीजन क्या है कि चाइना जो है वो अपने देश में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जल्दी यूज होने नहीं देता है, इसलिए आपको फेसबुक पे जल्दी चाइनीज लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन हांगकांग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब यूज होता है और हांगकांग के लोग इसी फेसबुक के माध्यम से आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर देते हैं। चाइना क्या किया, इंट्री किया ताइवान में, सॉरी हांगकांग में, और हांगकांग में फेक आईडी बनाना चालू किया फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह पे और लोगों को भड़काना चालू किया। लेकिन लोगों ने इसका कंप्लेन कर दिया फेसबुक वगैरह को, फेसबुक ने उनकी आईडी बंद कर दी, इस वजह से ये विद्रोह को नहीं दबा पाया। लेकिन चाइना चाहता है कि जब जब मौका मिले इन्हें दबा के रखो। नया मौका मिल गया 2018 में। 2018 में क्या हुआ भाई, चलिए समझते हैं।
ये आप एक लड़का को देख रहे हैं, इसके नाक के पास कुछ काला टाइप का है। इस लड़का का नाम है चांग टोंग काई। चांग टोंग काई जो है ये अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके चला गया, कहाँ पर? ताइवान में। अब यहाँ समझिए, हांगकांग के साथ चाइना का तो उतना ज़्यादा विवाद नहीं है जितना इस ताइवान के साथ है। ताइवान एक अलग देश है और चाइना कहता है कि मेरा है। तो ये जो है ना चांग टोंग काई, ये अपनी गर्लफ्रेंड को हांगकांग से घुमाने ले गया, कहाँ पर? ताइवान में। और ताइवान में अपनी गर्लफ्रेंड का गेम बजा दिया, मर्डर कर दिया वहाँ पर। सोचिए, सोच रहा मार डाला उसको ले जाके घुमाने। अभी बकलोलिया पता नहीं कहाँ चल गई थी, उतना दूर घूमने ही आ जाता है। अब चली गई अलग मैटर है। अब बात समझिए मैटर क्या हुआ। ये कोई एक मर्डर से बहुत बड़ा बवाल नहीं हुआ। बवाल कब हुआ? जब ताइवान की पुलिस ने हांगकांग को कहा कि भैया ये जो है ना ये लड़का ये मर्डर करके भागा है और ये लड़किया का लाश हमारे ही यहाँ है, आप लाश ले जाइए और ये लड़कवा को दीजिए, क्योंकि मर्डर तो हमारे देश में ना किया है, अब जब हमारे देश में मर्डर किया तो हम सजा देंगे। तो 2018 में ये मर्डर हुआ। 2018 में इस हांगकांग के पास ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिससे कि वो अपने यहाँ के कैदियों को, अपने यहाँ के मुजरिमों को दूसरे को सौंप सके। तो 2019 में एक कानून पारित हुआ। अब आप ध्यान से समझिए, ये कानून पारित कौन कराया? इस कानून को पारित कराई यही चार्ली लोम। इन्होंने इस कानून में दो बातें जोड़ दी जो वहाँ के लोगों को सबसे खतरनाक लगा। कहा कि भैया जो हांगकांग के अपराधी हैं अगर ये अपराध करेंगे तो इन्हें ताइवान भेज दिया जाएगा और सजा सुनाने के लिए, साथ ही साथ यहाँ के अपराधी को चाइना भी भेज दिया जाएगा सजा सुनाने के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना ने वहाँ के लोगों को चिन्हित किया और वहाँ से प्रत्यार्पण करा लिया अपने देश में और मौत के घाट उतार दिया। हांगकांग के लोगों को इतना मार मारा चाइना कि हांगकांग के कुछ दुकानदारों को इसलिए चाइना ने गोली मरवा दिया अपने देश में बुलाकर कि वहाँ की किताबों में चाइना के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। सोचिए, चाइना ने चैरी लोम की मदद से एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ पारित करा दिया जिसमें वो बता दिया कि भैया आप अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो देश विरोधी हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो देश विरोधी हैं, और आपको इस प्रत्यार्पण संधि 2019 के तहत आपको चाइना भेजा जाएगा, वहाँ की अदालत में आप में मुकदमा चलेगा, वहाँ की अदालत में मुकदमा 2 दिन में ख़त्म, आइए कल फांसी लगा जाइए वहाँ पे। तो चाइना वहाँ के आंदोलन को इतना भयानक क्या करना चाहता है, दबाना चाहता है। तो ये एक इसके चक्कर में वहाँ के लोग भी मरे लोग। अब बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य की। वर्तमान में चाइना बहुत बेहतरीन समय जानता है कि हांगकांग में अभी वक्त है जितना ही अत्याचार करके दबा दो उन लोग को, क्योंकि अभी कोरोना है और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कोई आंदोलन करने नहीं उतरेगा, और अगर उतर भी गया ना तो कूच के मारो उन लोग को, पूरी दुनिया भी कुछ नहीं बोलेगी कि ससुरा ही कोरोना फैलाएगा सब। तो अभी हांगकांग के लोगों के लिए अलग समस्या है। अब अमेरिका जो है वो जान गया है कि हांगकांग को अब चाइना छोड़ेगा नहीं, इसलिए अब अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं कि भैया आप जो हांगकांग को जो छूट देते थे कि टैक्स में कमी आएगी, अब आप वो मत दीजिए। समझ में? अब बात करते हैं भारत के साथ इसका क्या इंपैक्ट है। हम लोग का जैसा मैटर जम्मू कश्मीर के साथ है, सेम वैसे ही मैटर चाइना का किसके साथ है? हांगकांग के साथ है। भारत सरकार ने भी 370 में जो संशोधन किया उसका पूरा ब्रीफिंग चाइना को दिया था कि भैया आप बीच में हस्तक्षेप मत कीजिएगा, ये मैटर है। तो चाइना ने भी भारत को इन्फॉर्म कर दिया कि देखिए आप जो 370 हटाएं तो हम कुछ नहीं बोलें, तो हम भी यहाँ पे इसके जो दिए गए स्पेशल राइट्स हैं हम उसको हटा रहे हैं, तो आप भी कुछ मत बोलिएगा। तो अभी तक भारत ने भी कोई स्टैंड अपना लिया नहीं है। इसमें भारत के लिए एक और फायदा होगा कि अगर जितना ही कठोरता से चाइना हांगकांग में एंट्री मारेगा, हांगकांग में जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो हांगकांग से भागेंगी, और इस बार भारत उनको यूएई जाने नहीं देगा, अपने यहाँ रोक लेगा। तो चाइना यहाँ से भाग रही कंपनियों से भी खफा है, इस वजह से वो बॉर्डर पर भारत से भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो चाइना के साथ अभी बड़ा ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा दबाव बना देगा तो कंपनियाँ भाग जाएंगी, और नहीं बनाएगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो हांगकांग है वो तो ऑफिशियली चाइना का ही है,
क्योंकि 2047 में उसका जो ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट हुआ था 1997 में कि भैया हम 50 साल तक वन नेशन टू लॉ को चलेंगे, वो 2047 में तो ख़त्म ही हो जाएगा। और 2047 में चाइना वही करेगा जो तिब्बत में किया था। तिब्बत में क्या किया था इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, अभी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं तिब्बत में क्या किया। ये एक छोटा सा देश था पहले तिब्बत, चाइना ने 1959 को तिब्बत में कब्जा कर लिया और यहाँ के लोग विद्रोह न करें इसलिए यहाँ के लोगों को उसने यहाँ छोड़ा ही नहीं। यहाँ में किसी के एक आदमी का घर होता, एक आदमी को इधर फेंक दिया, दो आदमी को इधर 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 ले जाके इन लोग को ऐसा ना बिखेर दिया कि तिब्बत के लोग तिब्बते से गायब हो गए और जो चाइना के मूल निवासी थे उनको ले आके तिब्बत में भर दिया। अब आप बताइए, अब चाइना दुनिया से कहता है कि भैया तिब्बत में तो कोई विद्रोह ही नहीं होती है, भैया तिब्बत में कोई तिब्बत का है नहीं है। अब जैसे कश्मीर है, अब कश्मीर में विद्रोह क्यों हो रहा था कि 370 था, कोई जा ही नहीं पाता था। अभी 370 हटा तो सोचा कोरोना घुस गया यहाँ पे, लेकिन अगर भारत के लोगों को भर दीजिए आप कश्मीर में तो क्या कोई कहेगा कि हम कश्मीर से अलग होंगे? नहीं होंगे। यही काम करेगा चाइना कहाँ, कब? 2047 में हांगकांग में के लोगों को इधर उधर भगा देगा, क्योंकि वहाँ पे 2047 में तो पूरी तरह कम्युनिस्ट नियम आ जाएगा, मार लात जूता देके भगा देगा, कोई उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगा। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वही चमगादड़ को खाने वाले, उन लोग को भर देगा कहाँ पर? हांगकांग में भर देगा। हांगकांग में जब भर देगा तो हांगकांग में कोई हांगकांग का रहा ही नहीं, अब आप कहाँ से आंदोलन करिएगा? धीरे धीरे 2047 तक चाइना हांगकांग के मुद्दा को सलटा चुका होगा। चाइना पर ये तीसरा वीडियो था, इससे पहले हम आपको दो वीडियो बनाकर डाल चुके हैं खान जीएस के यूट्यूब चैनल पर, आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। एक और वीडियो सेपरेट हम बना देंगे आपको तिब्बत के लिए कि तिब्बत से चाइना ने कैसे तिब्बत को कब्जा कर लिया था। समझ में आ गया? आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।